करीब 1.5 माह के लंबे इंतजार के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम बसें आज सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आई। वहीं निजी बसों के न चलने से कई जगहों पर लोगों को निराशा भी हाथ लगी है। आज परिवहन निगम की बस भोटा से 50% सवारियों के साथ चालक राजीव कुमार की अगुवाई में बस रिकांगफेरी के लिए रवाना हुई। बस चालक राजीव कुमार ने बताया कि बस में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से ध्यान रखते हुए सवारियों को बिठाया गया है और किसी भी सवारी को बिना मास्क के बैठने नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि बस के अंदर कोविड-19 गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। भोटा से हमारे संवाददाता रमन कांत की रिपोर्ट।